हेलो फ्रेंड्स, आज हम रबड़ी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इजी बन जाती है। इसके लिए ज़्यादा सामान की भी आवश्यकता नहीं होती। ये एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश है, इसे आप किसी भी त्यौहार पे बना सकते हो। इसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया है, ये हमारे 3 चम्मच चीनी है, ये हमने थोड़े से काजू बादाम लिए हैं और ये हमारी छोटी इलायची है। अब सबसे पहले हम दूध को गैस पर रख देते हैं। ये हमने फुल फैट दूध लिया है। अब हमने इसको धीरे धीरे हिलाते जाना है और इसको जब तक ये हमारा 200-250 ग्राम के करीब नहीं रहता, तब तक हम इसको पकाते जाएंगे और बीच बीच में इसको हिलाते जाएंगे। हमारे दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसकी आंच सिम पे ही रखेंगे और ऐसे इसको नीचे तक हिलाते जाएंगे ताकि हमारा दूध बाहर ना निकले। जब तक हमारी रबड़ी बनती है तब तक हम अपने काजू बादाम काट लेते हैं। देखिए, इसको हम बारीक बारीक काटेंगे। हम काजू और बादाम दोनों को काट लेंगे बारीक बारीक। हमने अपने सारे काजू और बादाम काट लिए हैं। आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हो, वो भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब हम अपनी इलायची के दाने निकाल लेते हैं और इसको बारीक पीस लेते हैं। हमने सारे दाने निकाल लिए हैं, अब हम इनको बारीक पीस लेते हैं। ये हमने अपनी इलायची पीस ली है। इलायची का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, इसका अलग ही फ्लेवर होता है। अब हम सारा ध्यान अपने दूध पे लगाते हैं। हमारे दूध की जो मलाई है इसको हम साइडों पे लगाते जाएंगे और दूध को अच्छे से ऐसे नीचे तक हमने अपने चम्मच को लेके जाना है। ये देखिए, हमारा दूध काफ़ी कम हो गया है। अब हम इसकी जो मलाई है वो हम साइडों पे लगाते जाएंगे, इसको हम बाद में उतारेंगे। फिर हमारी रबड़ी बनने वाली तैयार है। ये देखिए, काफ़ी कम रह गया हमारा दूध, अभी बस थोड़ा टाइम और लगेगा फिर हमारी रबड़ी बनके तैयार है। हमने सारी मलाई इसकी साइडों पे लगा ली है, फिर बाद में हम इसको उतारेंगे। देखिए, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है हमारा दूध। अब हम इसमें डालेंगे अपनी इलायची पाउडर और चीनी। अब हम इसको अच्छे से हिला देंगे। हमारी रबड़ी बनकर तैयार है, ये देखिए। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको गैस से नीचे उतार लेते हैं। अब हम साइडों से सारी मलाई इसकी उतार लेंगे, खुरच के सारी इसके बीच में ही मिक्स कर लेंगे। सारी इसके बीच में मिक्स करके ये देखिए, हमने सारी मलाई उतार ली है इसके चारों तरफ से। अब हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम इसको अपनी कटोरी में निकाल लेते हैं। देखिए, और इसके ऊपर हम डालेंगे अपने काजू और बादाम। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, ये देखिए। ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।